हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीसी इंडियन। आज हम आपको भारतीय संविधान के भाग एक में अनुच्छेद एक से लेकर चार तक के बारे में बताएंगे, तो आप पूरा एंड तक वीडियो देखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का, चलिए देख लेते हैं आज अनुच्छेद एक। अनुच्छेद एक यानी कि राज्यों का संघ। अनुच्छेद एक में भारत एक राज्यों का संघ है जिसका निर्माण राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर हुआ है। इस अनुच्छेद एक में कहा गया है कि भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। अब अनुच्छेद दूसरा देख लेते हैं। अनुच्छेद दूसरा है नए राज्यों का निर्माण। अनुच्छेद दूसरे में नए राज्यों का निर्माण के बारे में अनुच्छेद दो के दो में कहा गया है। इस अनुच्छेद दो में जितने भी नए राज्यों का गठन होता है वो कितने अनुच्छेद दो के तहत होता है। अनुच्छेद दो के तहत नए राज्यों का गठन होता है। स्वतंत्रता के बाद जितने भी नए राज्यों का गठन हुआ है वो अनुच्छेद दो के तहत हुआ है। स्वतंत्रता के बाद जितने भी नए राज्यों का गठन हुआ है वो अनुच्छेद दो के अनुसार हुआ है। तो अनुच्छेद तीसरा देख लेते हैं। अनुच्छेद तीसरा राज्यों के नाम में परिवर्तन और उसके क्षेत्रफल। अनुच्छेद तीन के तहत राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, उसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद तीन में कहा गया है कि जितने भी राज्य हैं उनके नाम में परिवर्तन और उनके क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद तीन के तहत राज्यों के नाम में और उनके क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जा सकता है अनुच्छेद तीन के तहत। और इस विधेयक को सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है। तो देख लें अनुच्छेद चार में कहा गया है जितने भी अनुच्छेद दो और अनुच्छेद तीन के तहत राज्यों का गठन हुआ है उसमें अगर संशोधन 368 के तहत संशोधन हुआ है तो उस संशोधन को नहीं माना जाएगा। जितने भी राज्य अनुच्छेद दो अनुच्छेद तीन के तहत इनका निर्माण हुआ है अगर उनमें 368 के तहत संशोधन हो रहा है तो उसको संशोधन नहीं माना जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं स्वतंत्रता के बाद जितने भी राज्यों का गठन हुआ है। 1953 में हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य का गठन। आंध्र प्रदेश राज्य भारत का ऐसा पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर उसको गठन किया गया था। तो भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा है, वो है आंध्र प्रदेश। इसको 1953 में इसका गठन किया गया था। 1960 में हुआ था गुजरात राज्य का गठन। गुजरात राज्य को महाराष्ट्र राज्य से अलग करके इसका गठन किया गया था। और 1963 में हुआ था नागालैंड का गठन, नागालैंड राज्य का गठन। इसको असम राज्य से अलग करके इसका गठन किया गया था। 1966 में हुआ था हरियाणा राज्य का गठन और 1971 में हुआ था हिमाचल प्रदेश का गठन। 1972 में तीन राज्यों का गठन हुआ था, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य का गठन हुआ था। 1975 में हुआ था सिक्किम का गठन और 1987 में तीन राज्यों का गठन फिर से हुआ था, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। उत्तराखंड राज्य को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके इसका गठन किया गया था। 15 नवंबर को 2000 को झारखंड का गठन हुआ था और 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और